हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज आपको बताने वाली हूँ चेहरे पर चमक लाने के बहुत सारे तरीके कि आप किस किस तरीके से अपने चेहरे पर चमक ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आप लोग कई बार पूछते हो ना बार बार कि चेहरे पर चमक लाने के लिए कुछ बताइए। तो बहुत सारे तरीके हैं चेहरे पर चमक लाने के, चेहरे को ग्लोइंग बनाने के, और एक ही पार्ट में अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगी एक ही वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बनाने वाली हूँ और बहुत सारी रेमेडी बताऊंगी आपके लिए, जो भी सुटेबल हो, जो भी आपके लिए इजी हो आप वो कर लीजिए, सारी ही सुपर इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले तो कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको रेमेडी यूज करनी है कि ऐसा क्या है कि आपके चेहरे पर चमक नहीं है, ग्लो आपका खत्म हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, उनमें से अगर कुछ भी जो मैं बातें आपको बताऊंगी कुछ भी आपके साथ भी है तो उसको आप ठीक करें और चेहरा आपको ग्लोइंग जरूर होगा। तो सबसे तो आपको खाना टाइम पे खाना है, चाहे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, टाइम पर खाना है, टाइम पर ही आपको सोना है, हल्की फुल्की डेली आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आप हेल्दी एंड फिट रहें, फेस क्लीन रखना है, हमेशा धूप धूल मिट्टी से बचाना है। अगर धूप में जाते हैं आप तो चेहरे को ढक कर जाएंगे स्कार्फ से या किसी भी चीज़ रुमाल वगैरह से, और यह सनस्क्रीन लगाकर ज़रूर धूप में जाएंगे। अगर धूप में ज़्यादा देर का जैसा भी काम हो है आपका, सनस्क्रीन कभी भी अवॉइड नहीं करना। मॉइस्चराइज रखना है स्किन को, अगर मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो ड्राई फ्लेकी हो जाएगी और डलनेस आ ही जाती है अगर मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। तो ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करना है, मेकअप अगर ज़रूरी है करना तभी करें और टाइम के साथ ही रिमूव भी कर दें, उसको ज़्यादा देर तक ना रखें। धूप धूल मिट्टी से बचना है, ये मैंने अभी बताया आपको। टेंशन अगर कोई भी है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करें या फिर उस टेंशन को सॉल्व करें, क्योंकि टेंशन की वजह से बाल भी झड़ने लगते हैं, हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है और चेहरे का ग्लो भी ख़त्म हो जाता है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ये याद रखिएगा, पानी पियेंगे तो स्किन हेल्दी रहेगी, हाइड्रेट रहेगी और हाइड्रेटेड स्किन खुद ब खुद बहुत खूबसूरत एंड हेल्दी नज़र आती है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम रेमेडीज़ पर आ जाते हैं कि चेहरे को चमकदार बनाने के लिए आपको क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी है। तो मैंने बताया दो पार्ट में ये वीडियो बनने वाला है, दोनों पार्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप दो इनमें से कोई भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, सभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहला है वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल के साथ ही आपको एक चीज़ और लेनी होगी इस रेमेडी के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको ऑलिव ऑयल लेना है और साथ ही लेना है आपको थोड़ा सा गरम पानी एंड एक कोई भी कपड़ा लेना है आपको, साफ़ सुथरा कोई कपड़ा होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, पहले पानी एक साइड रख देते हैं। तो आपको ऑलिव ऑयल रोज़ाना रात को चेहरा अच्छे से धोना है अपना, किसी भी साबुन से, फेस वॉश, किसी भी चीज़ से, अच्छी तरह कोई भी धूल किसी भी तरह का कुछ डर्ट आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 3 से 4 ड्रॉप ऑलिव ऑयल अपने हाथ पर निकाल लेंगे इस तरह, और इसको आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, अच्छे से आपको लगाना है, पूरा चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज आपका हो जाना चाहिए। तो 5 मिनट तक आप अच्छी तरह से इसको इस तरह से लगाएंगे। 5 मिनट लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी मसाज नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट मसाज करना या भर के लगाना ऐसा नहीं है, 4-5 ड्रॉप ही लगाइए और ऐसे हल्के से अच्छी तरह लगाकर 5 मिनट। उसके बाद आपको लेना है गर्म पानी और कपड़ा जो हमने लिया था, कपड़ा साफ़ सुथरा लेना है आपको क्योंकि चेहरे की बात है। तो उस कपड़े को हम इसमें गर्म पानी में डिप कर लेंगे इस तरह। अब हम पानी रख देंगे एक साइड और इस कपड़े से हम अपने चेहरे को इस तरह से क्लीन करेंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं, हल्का हल्का सा गर्म पानी से, गर्म पानी के कपड़े से आपको ये क्लीन करना है, जिससे कि आपके चेहरे में जो हमने गर्म पानी का कपड़ा लिया है इसकी स्टीम से आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए ऑयल, और अगर डीपली अब्जॉर्ब होगा तो तभी आपकी स्किन शाइनी एंड हेल्दी मॉइस्चराइज नज़र आएगी और चेहरे पर नेचुरली एक चमक आ जाती है, बहुत जल्दी असर दिखाती है ये रेमेडी, ये तरीका। इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव है। इसको रात को से पहले करना है, रोजाना आपको इसको यूज करके देखिए। तो अब जो दूसरा तरीका है चेहरे पर चमक लाने का, जो सेकंड रेमेडी है वो क्या है, उसके लिए आपको ये लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो स्किन की सारी समस्याओं को मतलब दूर कर सकता है और हमारी स्किन में नमी पहुंचाता है और चमक लेकर आता है स्किन में। तो इसको आप अकेला भी ऐसे भी लगा सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, मैं जो वीडियोज़ में बताती हूँ आपको टिप वो बहुत ज़्यादा ध्यान से आप सुना करें क्योंकि बहुत यूज़फुल होती हैं। वैसे भी नॉर्मली आप अपनी क्रीम की जगह एलोवेरा डेली लगाने लगेंगे 2-3 टाइम तो भी बेस्ट है, लेकिन अगर बात है कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं बार बार नहीं लगाना है और चेहरे पर ग्लो भी चाहिए तो उसके लिए आपको रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐसे हाथ पर निकाल लेना है और इसमें मिक्स करना है 1 पिंच आपको टर्मरिक।
टर्मरिक मैं हमेशा वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी ही चेहरे के लिए यूज़ करती हूँ। आप भी यही यूज़ करें क्योंकि ये उस जो हमारी किचन वाली हल्दी होती है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है एंड बहुत ज़्यादा असरदार तो होती ही है, साथ ही इससे रंग का खतरा भी नहीं रहता। जैसे हल्दी हम चेहरे पर लगाते हैं तो पीला हो जाता है चेहरा, तो इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो उसमें 1 पिंच हल्दी हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ये भी आपको रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाना है, अच्छी तरह से लगाइए आप और चेहरे को इसी तरह से छोड़ देना है आपको, सो जाना है। इससे स्टिकी नहीं होता है एलोवेरा, बहुत जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और एंड इससे क्या है, अनइवन स्किन टोन है अगर वो भी ठीक हो जाती है, रंग भी गोरा हो जाता है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं, चेहरा बिल्कुल आपका स्मूथ सा शाइनी सा हो जाता है, चमक जो ज़रूरी है एक ग्लोइंग चेहरा जो होना ज़रूरी है वो इससे हो जाता है। तो ये भी आपको डेली ही यूज़ करना है। ये थी हमारी रेमेडी नंबर 2। अब बात करते हैं रेमेडी नंबर 3 की। इसके लिए आपको लेना होगा ये ग्रीन टी ले लीजिए आप, और इसको आपको गर्म पानी में, हाफ कप गर्म पानी में इस तरह से रखना है डिप करके। मैंने पहले से ही रख दिया था तो इसको हमें ऐसे डिप करके रख देना है। जब ये पानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको ये किसी स्प्रे बोतल में भर कर रखना है। तो स्प्रे बोतल में भरने के बाद आपको इसमें 3 से 4 ड्रॉप डालना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 3-4 ड्रॉप ही डालना है आपको, और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम बंद करके इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रख लीजिए आप। इसको आपको फ्रिज में रखना है और 1 हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज। ये 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको अपने चेहरे पर दिन में 2 बार लगाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप जब भी चेहरे को वॉश करते हैं उसके बाद आप ऐसे इसके 2-3 स्प्रे अपने चेहरे पर कर लीजिए। जो ये ग्रीन टी होती है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है हमारे स्किन को चमकदार बनाने में, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होता है जो कि हमारे स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारी स्किन इससे जवान एंड यंग नज़र आती है। स्किन के रिंकल्स को ही ख़त्म कर देता है, स्किन को हाइड्रेट बनाता है, और हमने इसमें ग्लिसरीन मिक्स किया है। आपके स्किन को नेचुरली ये हाइड्रेटेड रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा एंड स्किन आपकी हेल्दी एंड चमकदार इससे होने वाली है। दोस्तों जो नंबर 4 रेमेडी है हमारी, वो भी हमारी ग्रीन टी वाली ही रेमेडी है। उसके लिए हम लेंगे ये जो हमने टी बैग लिया था उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। अच्छे से मैं उसको इस तरह से पानी इसका निकाल दूँगी और हमें लेनी है ये टी, ये चाय हमें लेनी है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है भीगने के बाद। याद रखिएगा ये बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी मोटी मोटी ना हो, इसको तभी आपको यूज़ करना है। और ये जो तरीका है ये आप हफ्ते में कम से कम 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने ये ले लिया है ग्रीन टी, तो हमें इसमें मिक्स करना है ये कोकोनट ऑयल। इसके अंदर कोकोनट ऑयल ही मिक्स कीजिएगा। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप दूसरा ले सकते हैं, अदरवाइज़ है तो यही आपको यूज़ करना है। तो इसमें कोकोनट ऑयल हम मिक्स कर लेंगे कम से कम 1/2 स्पून के करीब, और इससे आपको अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसे ले लीजिए और अपने चेहरे पर इसे स्क्रब करना है कम से कम 10 मिनट तक। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए चाय की पत्ती, ये याद रखिएगा। जो हमने ग्रीन टी ली है इसमें फ्लेवोनॉइड्स होता है, मैंने अभी बताया था, और स्किन के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। तो इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अपने चेहरे पर चमक लाने के लिए। इसको आप हफ्ते में 3 बार यूज़ कीजिए। अब बारी है रेमेडी नंबर 5 की। तो इसके लिए आपको बनाना होगा ब्राइडल लुप्टन, जो कि मैंने पहले से ही आपको बनाकर बताया हुआ है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं बहुत बार कई वीडियोस में आपको ये बोल चुकी हूँ, प्लीज़ उसको बनाइए और ट्राई कीजिए। आपको बिना एफर्ट के बिल्कुल ग्लास स्किन मिलने वाली है, चमकदार स्किन मिलने वाली है। उससे आपका स्क्रब भी हो जाता है एंड पैक का काम भी करता है वो स्किन। उससे खुद ब खुद ही स्किन इतनी ज़्यादा मतलब शाइनी एंड ग्लोइंग हो जाती है कि जो भी देखता है वो खुद ब खुद नोटिस करने लगता है कि चेहरे पर क्या लगाया है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव उपटन है। तो प्लीज़ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब ये था हमारा रेमेडी नंबर 5। अब बात करते हैं रेमेडी नंबर 6 की। इसके लिए आपको लेना होगा ये कोकोनट ऑयल, और इसके साथ दूसरी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। ये खुद में ही इतना परफेक्ट होता है कि स्किन की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। हमारी जो त्वचा है उसकी डेड स्किन है जो होती है उसमें ये दोबारा से जान डाल सकता है और आपकी स्किन को हेल्दी बना सकता है, आपको जवान बना सकता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, हर तरह के निशान को ठीक कर सकता है। 2-3 ड्रॉप लेनी है, जितनी भी आपके चेहरे पर लग जाए, बहुत हैवी मसाज नहीं करनी, अच्छी तरह चेहरे पर लगा लीजिए और पूरा स्किन के अंदर चला जाना चाहिए।
रोज़ाना रात को चेहरे को अच्छे से धोना है, उसके बाद ही आपको ये यूज़ करना है। इस तरह से लगा लीजिए पूरे चेहरे पर, इसको अपने हाथ पैरों पर भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे लगाइए गर्दन पर और चेहरे पर और सो जाइए। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना, सिर्फ इतना। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में इस तरह से कैसे हल्की सी चमक आ रही है, तो इतना लगाना है और रात को आपको फिर लगाकर सो जाना है। सुबह में आप किसी भी साबुन या फेस वॉश से यूज़ करके मतलब साफ़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी रेमेडीज़ बताई हैं तो उसमें एक क्वेश्चन कॉमन होता है आप लोगों का, कि जब भी कोई रेमेडी बताती हूँ उसके बाद आप पूछते हैं कि सुबह में उठ के साबुन यूज़ कर सकते हैं क्या या फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं क्या। तो अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे के बाद कोई भी साबुन या फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रात में यूज़ कर रहे हैं तो पूरी रात आपको ऐसे ही रखना है, और सुबह में आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी साबुन अपना फेवरेट या जिस भी चीज़ से आप अपने फेस को धोते हैं, क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेमेडी नंबर 7 की। तो उसके लिए आपको लेना होगा 1/2 टमाटो, और इसको आपको टमाटर थोड़ा सा पल्पी होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गले हुए से होते हैं, अगर वो होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट सा है। अगर इस तरह का टमाटर है तो उसको आप इस तरह से पॉक करके ऐसे कट कट कर लेंगे, जिससे कि जूस इजीली निकल जाए इसका। ठीक है, और इसको कट करने के बाद इस पर डालना है आपको ये टर्मरिक। ये रेमेडी आप हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे, और इसको हल्दी ऐसे डालने के बाद इसे अपने पूरे चेहरे पर आपको रब करना है 5 से 10 मिनट के लिए। इसको ऐसे स्क्वीज़ कर करके आपको इसका जूस निकालते रहना है, चेहरे पर इस तरह से स्क्वीज़ करना है। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो कि आपकी स्किन को यंग एंड जवान बनाए रखता है और दाग धब्बों को दूर कर देता है, हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करता है, रंग को बहुत जल्दी गोरा करती है हल्दी। तो इसको आप इस तरह से रब कीजिए। जो टमाटर है इसमें विटामिन सी होता है, आपके स्किन पर चमक लेकर आता है, स्किन की जो अनइवन अगर स्किन है, कहीं से गोरा चेहरा है कहीं से काला है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है टमाटर, और रंग को भी गोरा कर देता है। विटामिन सी होता है तो रंग को भी बहुत जल्दी गोरा करता है, चेहरे पर बहुत ही अच्छी एक चमक, बहुत सारा ग्लो आ जाता है इसे। तो इसे 5 से 10 मिनट तक आपको रब करना है, उसके बाद आप इसको 5 से 10 मिनट ही छोड़ दीजिए इस तरह से, और इसके बाद इसको आप नॉर्मल पानी से धो दीजिए। तो इससे आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो एंड चमक आएगा। तो जब आप ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो धोने के बाद आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज ज़रूर करना है किसी भी ऑयल से या किसी भी क्रीम से। ठीक है, करते हैं चेहरे पर चमक लाने के लिए अगला उपाय क्या है। तो इसके लिए आपको बनाना होगा एक फेस पैक। तो उसके लिए आपको लेना है 1 से 2 चम्मच दूध, और उसमें हम हल्दी मिक्स करेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। ये स्लीपिंग पैक है, नाइट पैक है, यानी कि ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इवन पूरी रात आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ये ठीक करेगा। इसका ऐसे पतला सा पेस्ट बना लीजिए, हल्दी को इस तरह से आपको दूध में डालकर मिक्स करना है, और इसको आप अपने पूरे चेहरे पर कॉटन की हेल्प से या हाथ से ऐसे लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता थिक थिक सा ऊपर ऐसा, मतलब छूटने लगे या नज़र आए बहुत बुरा लगे। तो इसको आप इस तरह से लगाएंगे, ये 5-10 मिनट में सूख जाएगा। तो इस उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं, 10 मिनट तो रखना ही रखना है, उसके बाद वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रख पाएँ तो इसे आप ओवरनाइट रखिए, ये बहुत अच्छा पैक है। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपके रंग को गोरा कर देता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, साथ ही बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है दूध, आपकी स्किन को डीपली क्लीन कर देता है। एंड हल्दी के बारे में मैंने भी बताया कि करक्यूमिन होता है, जिसकी एक खासियत ही होती है आपकी स्किन को चमकदार बनाना, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाना और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो इसको आपको ओवरनाइट रखना है, अगर रख पाए तो मैं बोलूंगी ओवरनाइट ही रखें, या तो 10 मिनट के लिए रखें, 10 मिनट के बाद इसको आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपने फेस को वॉश करेंगे उस वक्त आपको कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पर लगाना है, और स्किन आपकी बिल्कुल शाइनी शाइनी एंड सॉफ्ट चमकदार होगी, सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। जितनी भी रेमेडी मैं बता रही हूँ आपको, ये रेमेडीज वो हैं जो सिर्फ आपके चेहरे पर चमक ही नहीं लाएंगी, बल्कि चेहरे की जो भी समस्याएं हैं, आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको ये दूर कर देंगी। तो गाइस, पार्ट वन में सिर्फ इतने ही तरीके बताऊंगी, वरना अगर मैं पूरे बताने लगूंगी तो ये वीडियो पक्का बहुत ज़्यादा लेंदी, आधे घंटे या एक घंटे का तो बनने वाला है ही, इसीलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। बाकी जो भी इजी एंड सुपर इफेक्टिव सी रेमेडीज़ हैं उसको मैं पार्ट टू में आपको बताऊंगी, और प्लीज़ दोनों पार्ट्स को देखिएगा, क्योंकि पता नहीं आपकी स्किन के लिए कौन सी रेमेडी सुटेबल और कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ट्राई करके देखिए, और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर तक नहीं किया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।